है खास हर अंदाज। आपने मेरे से शादी की है ना, तो बीवी नंबर वन मैं हुई ना। मैंने आज तक सिद्धि को कभी ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्यों कर रही हो ये सब। लगता है मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। सामान अंदर लेकर जाओ। तू इस कमरे में नहीं रह सकती, बस। छोटी, और जब मैं अपना पति बांट सकती हूँ तो तुम्हें कमरा नहीं बांट सकती। बीवी नंबर वन मैं, इसलिए इस कमरे पर सबसे पहला हक मेरा। आज तेरी पहली रसोई है, तुझे सबके लिए कुछ मीठा बनाना होगा। ताई वो कौन सी सीक्रेट रेसिपी है जिससे आप इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो? बचपन में हलवा में आई साबुत चीनी के बजाय पीसी हुई चीनी मिलाती थी। बिल्कुल वैसी ही चीनी मैंने वहाँ किचन के कैबिनेट में रखी है। आज नई बहू ने सबके लिए हलवा बनाया है। अब देख बीवी नंबर वन, अब भी एक रास्ता है जिससे तू विन का दिल जीत सकती है। कौन सा रास्ता? तू उसे कुछ ऐसा गिफ्ट कर दे जो उसके दिल को छू जाए। पर उसकी कमजोरी क्या है? तेरी सास। अगर मैं कोई ऐसा फोटो फ्रेम उसे गिफ्ट करूं जिसमें उसकी और उसकी माँ की फोटो एक साथ हो तो? अच्छा। उर्वशी, ये प्रॉपर्टी के पेपर है, इन पे मैंने साइन कर दिए, तुम्हारे साइन बाकी। उसके बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। पूरे 15 करोड़ की है प्रॉपर्टी। ये तुम ऐसे कैसे बाहर जा रही हो और इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं टेम्पटेशन क्लब जा रही हूँ। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम इस घर की बहुओं की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए ना। इस घर की इज्जत में उसी दिन 4 चांद लग गए थे ना, जब इस घर के बेटे ने शादीशुदा होते हुए किसी और औरत से शादी कर ली थी। इतनी रात को ऐसे शराब पी के कोई शरीफ घर की लड़की ऐसे सड़कों पे? इस घर में कौन नहीं पीता, ये छोटी तो पूरी बोतल लटक जाती है। माँ तो देसी पीती थी, पीने के बाद ही तो इसने ऐसा कांड किया कि इसकी दूसरी शादी हो गई। बस। सबसे पहले हमें उर्वशी के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना होगा। ये 7 थालियाँ घर के 7 सदस्य के प्रतीक है, तुम्हें हर थाली में से चलना होगा। 1 थाली से दूसरे थाली के बीच अपना पाव थाली के बाहर नहीं टिकाना है। मेरे पाव से ये 7 थालियों का पानी छलक गया तो? तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा बालिके। पहली थाली ससुर जी के नाम, हरिओम। गुरुजी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? बाबा जी, आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं आपको पूरी बात समझ। तू बाबा जी को समझाने में कभी सफल नहीं हो पाएगी। आज जो तुमसे गलती हुई है उसे शास्त्रों में पाप कहते हैं और उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ कि आगे क्या करना है? इस राजवीर ने तो उन्हें मंदिर में बुला लिया, लेकिन अब करेगा क्या? अब उनसे मूर्तियां बनवाएंगे क्या? अब अगला टास्क यही होगा। कल ही इसकी महापरीक्षा होगी, जिस परीक्षा में इसकी छूट से सारी परतें खुल जाएंगी। राजवीर अकेला अपने लिए तो ये सब नहीं करेगा, इस सब से सिर्फ एक इंसान का फायदा है। राजवीर के साथ साथ उस इंसान का भी पर्दाफाश कर दूंगा। उर्वशी ने अपना कन्फेशन शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। विनायक, प्लीज डोंट ओपन द डोर। विनायक, विनायक प्लीज मेरी बात सुनो। विनायक प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उर्वशी को अंदर बंद करने की? हटो। विनायक, विनायक नहीं। बस कर उर्वशी, और कितना गिरेगी तू? माना कि मैं तुझे यहाँ पर लेकर आई, लेकिन लेकिन रुद्र के कहने पर, क्योंकि रुद्र ने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो।
बस इसलिए हक्का भाई सिद्धि वो सिद्धि 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 मेरी बात सुनो सिद्धि सिद्धि मुझसे बहुत थोड़ी गलती होगी मैंने उर्वशी की वजह से मैंने तुम्हारे साथ सिद्धि आज मुझ पे इतनी मिट्टी पड़ी हुई है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे सांस तक नहीं आ रही है तो मैं तुमसे माफी किस मुंह से मांगू मुझसे जो गलती हुई है उस गलती की भरपाई माफी मांग के भी नहीं ली जा सकती सिद्धि मैंने जिस लड़की का साथ जिस विश्वास के साथ थामा था कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए माफी तो नहीं है लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी चीज जरूर दूंगी जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था विनायक कुंद्रा ये रहे डिवोर्स पेपर्स मेरे साइन किए हुए आज से हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते आपने हमारा आह्वान किया जिन अपराधियों ने आपके अभिषेक के दूध में मदिरा मिलाई थी हमने उन अपराधियों को पकड़ लिया है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप उन्हें दंडित करें दंड देना एक सामाजिक कार्य है और हम समाज और संसार दोनों त्याग चुके हैं इसलिए इन्हें दंड देना हमारा नहीं आपका अधिकार है राजद्रोही केवल राजा का शत्रु नहीं होता है बल्कि संपूर्ण प्रजा का शत्रु होता है इसलिए हम देवी पिंगला और फार्मल को मृत्यु दंड का आदेश देते हैं के लाडले भभूति जी जबरदस्त रासलीलाओं में लिप्त है किसके साथ विभू रासलीला खेल रहा है तुम बड़ी जल्दी आ गई कि तुम्हारी रासलीला खत्म होगी फिर मैं आऊंगी कौन सी रासलीला भाई अजी हुजूर मेरे तो लौ लग गए मेरे तो लौ लग गए मेरे तो अनु बेबी आई कैन एक्सप्लेन गेट लॉस्ट व्हाट डिड यू से रीड माय लिप्स आप यहीं बैठिए हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं जिसका डर था वही हुआ वो ऑलरेडी इस बीमारी के सेकंड स्टेज पे है और शायद जल्दी थर्ड स्टेज पे चला जाएगा आई मीन आई एम नॉट इवन श्योर कि अभी भी वो थर्ड स्टेज पे है या नहीं बट इस स्टेज में इंसान बहुत ही खतरनाक होता है इस स्टेज पे उनका इलाज हो पाएगा या नहीं क्या हुआ सब कुशल तो है ना महावन में आग लग गई है कान्हा बलराम सहित सारे बच्चे उस आग में घिर गए हैं ज्वरा सुर द्वारा ध्वस्त हुए वन से बलराम दाऊ तथा सखाओं की रक्षा करने हेतु श्री कृष्ण करते हैं विघ्नहर्ता गणेश का आवाहन किशन को मार के तो हम कभी भी एक्सीडेंट दिखा देंगे लेकिन हमारा खोपड़ी में ये नहीं आ रहा कि तुमको मार के हम क्या बताएं चीटिंग कर रही हो तुम वो पता रखो अंदर रखो हाँ चीटर कते ईमानदारी वाला कोई काम किया है तुमने आज तक धोखे से तो शादी की और हमारा किशन हमसे छीन लिया तुम दोनों अपनी दादी को बहुत मिस कर रही हो इसलिए तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए आज ही होगा चौथा टेस्ट